बोलिए बोलिए मेहता साहब। और भी जिठलाल क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। तैयारी कैसी चल रही है? कैसी तैयारी? ओहो, ये माना जेठालाल कि तुमने ये कहा कि ये जो सामान्य ज्ञान की बातें हैं ये आदमी जिंदगी के तजुर्बों से सीख लेता है, और मैंने भी तुम्हारा पूरा साथ दिया, लेकिन भाई कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, और हो सकता है ऐसे सवाल आए जिनके उत्तर तुम्हें जिंदगी के तजुर्बों से नहीं मिले। इसीलिए बोल रहा हूँ भैया कि अति आत्मविश्वास में मत रहना और थोड़ी तैयारी कर लेना। अरे तैयारी कर लेना क्या मेहता साहब, तैयारी हो चुकी है। अच्छा हाँ, चलो अच्छी बात है, मुझे तो टेंशन हो रहा था तुम्हारे लिए, तो सोचा फोन कर लूं। अरे नहीं मेहता साहब, इसमें टेंशन क्या लेना। अरे भाई ये प्रोग्राम आखिर है तो मनोरंजन के लिए ही ना। हाँ ये बात भी ठीक है, और वैसे भी अगर एकाध सवाल का जवाब तुम न दो तो फाइन तो दे ही सकते हो। हाँ नहीं, फाइन तो मैं भर सकता हूँ, लेकिन सवाल फाइन का नहीं है मेहता साहब। क्या एकाध सवाल का जवाब नहीं आया तो इज्जत का सवाल हो सकता है। यही तो कह रहा था मेरे भाई, इसीलिए थोड़ी तैयारी कर लेना। कर ली मेहता साहब, सारी तैयारी करके बैठा हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके ओके मेहता साहब, ओके। अंजलि सुनिए ना। हाँ बोलो। आज गणेश उत्सव के खास मौके पर मैंने आपके लिए एक स्पेशल चीज बनाई है। मर गए, त्योहार के दिन भी कोई स्वादहीन सलाद खाना पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहा था कि तुमने क्या खास बनाया है। सोचिए सोचिए मैंने क्या बनाया है, खास चीज है। चुकंदर का सूप? नहीं। करेले और लौकी का सलाद? नहीं, आज वो नहीं बनाया। तो पक्का उबले हुए मूंग की खिचड़ी बनाई होगी तुमने? नहीं नहीं, आज वैसी कोई चीज नहीं बनाई है। लगता है आज किसी नए घास फूस की प्रजाति के सूप या सलाद का मुझ पे प्रयोग किया जाएगा। वो आप इतना मत सोचिए, मैं ही बता देती हूँ। आज मैंने खास आपके लिए ATM स्पेशल शुद्ध देसी घी के गुड़ और नारियल के गर्मा गर्म मोदक बनाए है। खुशी के मारे बेहोश हो गया मैं, मोदक देसी घी के भाई, वाह क्या बात है, खुशी के मारे बेहोश हो गया। अरे भाई तुमने खबर ही ऐसे चलाई कि मुझे लगा बेहोश हो जाऊंगा मैं। वैसे भी अभी से बेहोश मत होइए, क्योंकि ATM स्पेशल मोदक खाने के बाद आपको अपना होश गुमाना ही है मिस्टर मेहता। बात है अंजलि भाई, आज का दिन तो कमाल है। अरे अभी तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म मोदक और शाम को टप्पू सेना द्वारा आयोजित गोकुलधाम धूमधाम 2018 का कार्यक्रम। एक्चुअली तारक, शाम के प्रोग्राम के लिए तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे अंजलि, एक्साइटेड होना तो स्वाभाविक है ना भाई, और तुम क्या, इस वक्त तो गोकुलधाम का हर बाशिंदा उत्सुक होगा। रंगीले सवाल होंगे, रसीले जवाब होंगे, और उसके बाद गोकुलधाम निवासियों की शानदार प्रस्तुतियों का प्रदर्शन, नृत्य गीत संगीत काल हो जाएगा। जिस वक्त गोकुलधाम निवासी नृत्य कर रहे होंगे, गा रहे होंगे, तो ऐसा लगेगा अंजलि जैसे गगन से सितारे खुद जमीन पे चले आए और चांदनी अपना संगीत बिखेर रही। ऐसा नैनाभिराम दृश्य होगा कि सब देखते रह जाएंगे। बस कीजिए, इतनी अलंकारिक भाषा में वर्णन मत कीजिए, वरना शाम तक का वक्त काटना मुश्किल हो जाएगा। अरे मुश्किल हो जाएगा क्या अंजलि, मुश्किल हो गया है, वक्त कट ही नहीं रहा है। बस जल्दी से जल्दी शाम के 7:30 बजे और गोकुलधाम में टपू सेना द्वारा आयोजित धूमधाम 2018 का कार्यक्रम शुरू हो।
बैठ जाइए सब। चलो सब लोग बैठ गए ना, प्रोग्राम शुरू कर दे। चलो तू खाली खड़ा है। अरे सेठ जी आ गए, आ गए, हम लोग भी आ गए, आ गए सेठ जी, आ गए। हेलो हेलो। तो नट्टू काका, भागा बावरी, आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू आत्माराम जी। आत्माराम जी नहीं, बावरी जी, आत्माराम जी। आप बाका समझाओ अपनी बावरी को कि आत्मा का खात्मा कभी नहीं होता है। अरे मेहता साहब, उसे बोल के कोई फायदा नहीं है, आपका दिमाग खत्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैं आत्माराम तुकाराम भिडे, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस गोकुल धाम धूमधाम 2018 कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि टप्पू सेना हर साल गणेशोत्सव में कोई ना कोई कार्यक्रम का आयोजन करती है, इस बार भी टप्पू सेना ने गोकुल धाम धूमधाम 2018 कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आइए हम सब मिलकर उनको बधाई देते हैं और ये आशा करते हैं कि आपका ये कार्यक्रम कामयाब हो। तो चलिए, आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए, अभी ले तो लिया भाई। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। हाँ। आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस कार्यक्रम की बागडोर में टप्पू सेना के हाथ में सौंपता हूँ, आइए। गुड इवनिंग गोकुल धाम। वेलकम टू गोकुल धाम धूमधाम 2018। आज के प्रोग्राम के बारे में हम आप सबको फिर से एक बार बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टेज पे आना होगा और स्टेज पे आने के बाद आपको इस बोल से चिट्ठी निकालनी होगी। इन चिट्ठियों के अंदर आपके पार्टनर्स के नाम है। आपका एक पार्टनर हो सकता है, दो पार्टनर्स हो सकते हैं, या फिर आपका परफॉर्मेंस बिना किसी पार्टनर के हो सकता है। टीम मेंबर्स डिसाइड होने के बाद आप सभी को तीन तीन सवाल पूछे जाएंगे और आपको वो तीन सवाल स्क्रीन पर दिखे जाएंगे। वो सवाल जनरल नॉलेज के हो सकते हैं, वो सवाल गोकुलधाम रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर पहले अभी पूछी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। आने दो, कुछ भी आने दो। लेकिन अगर आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आपको 500 रुपए का दंड पड़ेगा। अगर आप दो सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो आपको 1000 रुपए का दंड पड़ेगा, और अगर आप तीन सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो आपको 3000 रुपए का दंड पड़ेगा। तीन सवाल पूछने के बाद आपको परफॉर्मेंस करने को कहा जाएगा। परफॉर्मेंस में हम आपकी टीम को गाना गाने के लिए कह सकते हैं, डांस करने के लिए कह सकते हैं, एक्टिंग करने के लिए कह सकते हैं, कुछ भी करने के लिए कह सकते हैं। और याद है ना, अगर सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए और परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाए तो 10000 रुपए का दंड पड़ेगा। जनरल, पैसा लेकर आया ना? क्यों? फाइन भरने के लिए। सॉरी अय्यर भाई, आज आपकी मंशा पूरी नहीं होगी। अरे आज मैंने गुल्ली के साथ सारी सेटिंग कर ली है। जनरल, क्या सोचते हैं? टेंशन हो गया क्या? ये देखो ना बापूजी, अय्यर भाई। ये अय्यर। अरे भाई शांति रखो ना जेठालाल। अरे भाई मैं तो शांति बैठा था। ये अय्यर भाई बीच बीच में पैसा लेके आया ना, फाइन भरना पड़ेगा ना, डर गए, टेंशन आ गया ना। अरे अय्यर भाई शांति रखिए ना। ये पापाट, तुम शांति रखना भाई। अरे मैं तो शांति हूँ, आया तब से कुछ बोला ही नहीं हूँ। पहली बार बोला मैंने। क्यों बोला? तो इनको शांत करने के लिए। अरे वो शांत हो गया है, अभी तू भी शांत हो जा। टप्पू सेना, प्रोग्राम आगे बढ़ाओ। हाँ। तो आज के प्रोग्राम का संचालन करने के लिए हमने एक खास गेस्ट को बुलाया है। अरे वाह। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम मिस आलिया। थैंक यू
खा लिया, मेरे मन को भा लिया। वो खा लिया? क्या कब से उसे देख रहे हो तुम? भाई मुझे इनमें तेरी भाभी नजर आ रही है। पोपटला, तुमने आज तक शादी के लिए जितनी भी लड़कियां देखी है उन सभी में तुम्हें हमारी भाभी नजर आई है। भाई अपनी भावना पर काबू रखो। हाँ गेस्ट है वो, गेस्ट। हाँ हाँ हाँ। बोलो गणपति बाप्पा। गोकुल धाम धूमधाम 2018 की इस प्यारी जगमगाती झिलमिलाती शाम में मैं आपकी दोस्त आलिया आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों मन मचल के मोर होना चाहिए, इस शानदार शाम में थोड़ा शोर होना चाहिए। परफॉर्म करने वाले तो दिखाएंगे आपको अपने जलवे, लेकिन आपकी तालियों में थोड़ा जोर होना चाहिए। क्या बात है, वक्स फॉर, वक्स फॉर। अरे इसे कहीं भेजिए भाई, इसे कहीं और होना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम के नियम तो टप्पू सेना ने आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। एक बार अब भी बता दीजिए ना, मीठा लगेगा। अरे भाई बताया तो कल में आए, क्या हो गया भाई? सारे सवाल इस स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन कुछ ट्रिक क्वेश्चंस होंगे जो मैं खुद आप लोगों से पूछने वाली हूँ। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए आज की इस खूबसूरत शाम का आगाज करते हैं और बुलाते हैं हमारे पहले मेंबर को। खुशियों की रात है तो जश्न जरा डट कर होगा। पहली बारी है डॉक्टर हाथी की, तो अंदाज जरा हट कर होगा। प्लीज वेलकम हम सब के साथी डॉक्टर हंसराज हाथी। वेलकम वेलकम मिस्टर हाथी। तो चलिए हाथी भाई आपकी पार्टनर को चुनिए। ठीक है। क्या बात है, इस बार गणपति जी की पहली आरती भी हाथी भाई ने की और पहला कार्यक्रम भी हाथी भाई कर रहे हैं। वाह अच्छी बात है ना। हाथी तो गणेश जी का प्रतीक है। मैं टेंशन में था कि मैं इतना एनर्जेटिक डांसर हूँ, पता नहीं मेरा पार्टनर कौन निकलेगा। कोई वीक निकला तो मेरी तो पूरी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी ना। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरा पार्टनर है कोमल। आपका इनाम निकला, देखो चिट्ठी में। वेलकम वेलकम कोमल जी। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। तो चलिए सवाल शुरू करें। तो पहला सवाल है हाथी भाई के लिए। आपको माधवी भाभी के अचार और अब्दुल भाई की सोडा दोनों में से क्या पसंद है और क्यों? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। Come on, Papa, you can do it. सच कहूं तो मुझे तो दोनों ही पसंद है। दोनों पसंद है आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको दोनों में से एक ही को चुनना पड़ेगा। Come on, Hans. Come on, हाथी भाई, कोमल भाभी। Come on, Papa. मिल गया जवाब। दरअसल मुझे अब्दुल की सोडा पसंद है। पर सोडा का क्या है, सोडा को तो सिर्फ अकेला पिया जा सकता है, लेकिन आचार आचार के साथ तो पराठा खाया जा सकता है, थेपला खाया जा सकता है, ढोकला, समोसा, कचौरी, कुछ भी खाया जा सकता है।
अचार खुद तो स्वादिष्ट होता ही है, लेकिन दूसरे खाने का भी स्वाद बढ़ा देता है, इसलिए मुझे माधवी भाभी का अचार ज्यादा पसंद है। दीपा ये क्या, आपको सोडे से ज्यादा अचार पसंद है? ये तो गलत बात है ना। अचार खाऊंगा तब जाके सोडा पीने आऊंगा ना। स्मार्ट है। वाह वाह हाथी भाई, मानना पड़ेगा मेरे अचार के बारे में ऐसा मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मेरी तरफ से आपके लिए एक अचार की बर्नी फ्री। थैंक यू माधवी भाभी। तो देखते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं। करेक्ट आंसर। और अब दूसरा सवाल है कोमल जी के लिए। सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको नींद आने नहीं देता। ये किस महापुरुष ने कहा था? I know this answer. मेरे को मालूम है। बापूजी, शेर अय्यर, उसे बोलने दे। इस अमर वाक्य को कहा था द मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। एंड यू नो व्हाट, उनकी किताब अग्नि की उड़ान, दैट्स माय फेवरेट। मेरी भी फेवरेट है कोमल भाभी, विंग्स ऑफ फायर। हां, तो अब देखते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं। और अब आप लोगों का तीसरा सवाल। ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, ये स्क्रीन पे नहीं आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके। एक कमरे में 300 लोग हैं, उसमें से 2 सो गए, तो कितने लोग बचे? ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। 300 में से 2 सो गए तो 100 बचे। देखते हैं आपका जवाब सही है कि नहीं। ये गलत जवाब है। तो मित्रों, गोकुलधाम में धूमधाम 2018 का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। बारी है डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी की, उनसे सवाल भी पूछे जा चुके हैं और तीसरे सवाल का जवाब डॉक्टर हाथी ने गलत दिया है। अब इसका सही जवाब क्या होगा आपको पता? अगर आपको पता है तो बता दीजिए। यहाँ गोकुलधाम धूमधाम 2018 कैसा इंद्रधनुष है, यहाँ ज्ञान भी है, हास्य भी है, नृत्य भी है, मनोरंजन भी है, तो इस इंद्रधनुष का आप आनंद उठाइए और यहाँ गोकुलधाम में इस धूमधाम 2018 का मजा लीजिए, इसका हिस्सा बनिए। और यहाँ हाथी भाई के तीसरे सवाल के जवाब में उत्तर क्या होगा, बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.